to the government, I would definitely support him on such a resolution. Thank you so much. Thank you. Shri Prakash Javadekar ji. Practical. सभापति आप पांच बचे टाइम बचा सर इट्स अ टॉपिक विच एवरीवन हैज टेकन वेरी अटमोस्ट इंटरेस्ट एंड आई सजेस्ट दैट इफ वी कैन डिस्कस एटलीस्ट वन मोर आवर टू एक्सटेंड द हाउस सिटिंग इफ दैट्स द सेंस ऑफ द हाउस वी कैन कंटिन्यू प्रोफेसर साहब ने आके सभापति महोदय आज राज्यसभा की ताकत क्या है यह देश देख रहा है कितनी अच्छी चर्चा हुई राकेश जी ने विषय लिया कि भारत की ज्ञान परंपरा आएंगे ज्ञान के लिए गए तो ये विषय दिया लिया और सभी सदस्यों ने मैंने देखा जवाहर सरकार को भी सुना बाकी सबको सुना और अपने अपने मन की बात जो है वो बहुत यही ये होता है डिबेट और ये डिबेट अच्छा था मुझे एक याद आया क्योंकि मुझे भी शिक्षा विभाग संभालने का 3 साल मौका मिला तो एक दिन हम रिव्यू ले रहे थे तो 11वीं 12वीं तो 12वीं में कुछ विषय बहुत होते हैं चॉइस के लिए लेकिन कुछ विषय बहुत कम ऑप्ट करते हैं स्टूडेंट्स तो अधिकारियों ने कहा कि भाई एक केटीपीआई विषय है उसमें कम स्टूडेंट्स आ रहे हैं मैंने कहा कि ये अधिकारी लोग सारे शॉर्ट फॉर्म में क्यों बोलते हैं मुझे कभी पता नहीं चलता वो किसी को समझता नहीं तो वो दैट वाज नॉलेज ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिया केटीपीआई वो नॉलेज ट्रेडिशन प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिया तो मुझे एकदम लगा कि मुझे देखना है मैंने कहा मुझे किताब भेजो पहले तो मैंने देखा किताब इतना अच्छा था कि भारत की सही पहचान अगर चाहिए तो उसमें इंडियन केमिस्ट्री इंडियन मेटलर्जी इंडियन एस्ट्रोनॉमी अंतरिक्ष विज्ञान इंडियन आर्किटेक्चर इंडियन ट्रेड इंडियन आर्ट्स इंडियन मैथ्स इंडियन मेडिसिन और इंडियन बहुत सारे एस्पेक्ट्स एग्रीकल्चर तो ये हमारी ज्ञान परंपरा का एक बहुत ही अच्छा किताब है तो मैंने फिर स्टूडेंट से स्कूल से बात किया तो वो मैंने जब पुस्तक देखे तो 11वीं का पुस्तक लगभग 500 पेज का था और 12वीं का किताब 500 पेज का था तो बहुत अच्छा किताब तैयार किया है यानी मैं तो सरकार जी ये केटीपीआई का किताब जो है वो सभी सदस्यों को देना चाहिए क्योंकि बहुत अच्छा है और ये देने के बाद आपको समझेगा कि ये भारत की पहचान है हमारी आज की शिक्षा पद्धति में जो मैकॉले का शिक्षा पद्धति कैसे आई बताया अनेक वक्ताओं ने तो उसमें यह मुद्दा आया कि हम अपनी पहचान खो गए तो मैंने फिर एनसीईआरटी के साथ बैठक की और जो 15 लोगों का एक अच्छा बहुत संपादक मंडल था जिन्होंने ओरिजिनल किताब तैयार किया उनके सलाह से मैंने कहा यह 500 पेज का किताब मैं 11वीं का स्टूडेंट हूं तो नहीं पढ़ूंगा 100 मार्क के लिए तो इसी का सारा इसेंस लेकर लेकिन कुछ डिटेल्स निकाल के लेकिन सारा इसेंस एक भारत की पहचान हो तो 200 पेज का किताब बनाइए तो बनाया वो भी तैयार है 11वीं का भी 12वीं का भी और अब मुझे पक्का विश्वास है बीच में 2 साल कोरोना में गए लेकिन इसका जितना हम प्रचार करेंगे मुझे विश्वास है कि बहुत सारे स्कूल्स विद्यार्थी उनके अभिभावक सभी ये भारतीय इंडियन फिलोसॉफी सब है उसमें आप भी देंगे ये आप देखिए इट्स अ ब्यूटीफुल बुक आई हैव सीन और वो खत्म ही होने वाला था वही प्रस्ताव था तो हमने उसको पुनरुज्जीवित किया और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में इसका जैसा प्रचलन बढ़ेगा और लोगों को जानकारी होगी
तो एक भारत की मिनिमम पहचान तो होनी चाहिए, हम जिस देश के हैं। यानी अगर आर्यभट्ट का वहां जो शोध के लिए जो सर्न की लेबोरेटरी है यूरोप में, तो वहां अगर उनका नाम लिखा है और उनके एक अलग शिलालेख बनाया है, तो यह अपनी भारत का गौरव है, लेकिन हमें मालूम नहीं। तो ये हमें जानने का एक बड़ा अवसर इसमें है। और भारत के ज्ञान परंपरा की विशेषता क्या है, भारत के संस्कृति का व्हाट इज इंडियन सिविलाइजेशन रिप्रेजेंट्स, इट्स डाइवर्सिटी, इट्स टॉलरेंस, और वही टॉलरेंस भारत ने लगातार दिखाया। इतने विदेशी लोग आए, अपने यहां रिलीजन्स है, कुछ धर्म परिवर्तन पे उनका यह है कि कुछ भी हो हमारे मजहब में सब आना चाहिए। ये इंडियन सिविलाइजेशन है जो कहती नहीं है कि हमारे मजहब में आओ, ये नहीं कहते, ये कहते हैं कि लिव एंड लेट लिव। ये टॉलरेंस का सबसे बड़ा भारत की विशेषता है। अभी चर्चा हुई तो उसमें क्या है, खंडन मंडन, ये ज्ञान परंपरा का मूल हिस्सा है। आस्तिक नास्तिक ये भी सबको मंजूर है, तो आप आस्तिक भी हो सकते हो, आप नास्तिक भी हो सकते हो, आपको पूजा करनी है तो करो, नहीं है तो नहीं करो, दिस इज इंडिया। और ये ज्ञान होना चाहिए, और इस ज्ञान परंपरा का सबसे बड़ा विशेष है कि यहां साइंटिफिक टेम्परामेंट ही है। वो जानबूझ के ब्रिटिशों ने एक कॉन्स्पिरसी के तहत इसको ध्वस्त करने का काम किया और आज उसको आपने उजागर किया। इन सब भाषणों में एक भाषण मात्र मुझे लगा कि वो भारतीय ज्ञान परंपरा विषय है, ये मालूम नहीं था शायद। हमारे मित्र संजय सिंह ने भाषण दिया आज की राजनीति में और कश्मीर पर बोले, तो कुछ सच्चाई तो बताने की जरूरत भी है, क्योंकि लोगों को एक ही संदेश जाना अच्छा नहीं है। कश्मीर की वास्तविकता क्या है, क्यों कश्मीर फाइल देखने को देश में इतने लोग उमड़ पड़े हैं, यह समझना चाहिए। और संजय सिंह ने भी कहा कि दूरदर्शन पे दिखाओ, यूट्यूब पे डालो, भारत के हर नागरिक को देखना चाहिए। अरे अगर हर नागरिक को देखना चाहिए तो दिल्ली में टैक्स फ्री क्यों नहीं करते, यही लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि एक आपको टैक्स फ्री करना था वो नहीं कर रहे, लेकिन सब देखे ये कह रहे हैं। और ये अजीब पार्टी है, अजीब लोग है, राम का मंदिर यहां खड़ा किया, वहां राम मंदिर का विरोध करते, अयोध्या के लिए ट्रेन ले जाते हैं सीनियर सिटीजन्स को, बट दैट इज वॉट ही डिड, बट स्टिल आई हैव राइट टू से वॉट वॉज सेड इन द हाउस। खंडन और ये और मूल कश्मीर का मुद्दा क्या है, ज्यादा मैं इस पे नहीं बोलना चाहता हूं, मैंने तो ज्ञान परंपरा की बात की, केटीपीआई की जानकारी दी, लेकिन कश्मीर में ये जो चल रहा है नैरेटिव कि 89 में वीपी सिंह का सरकार था, जगमोहन थे, अरे जगमोहन वहां इंदिरा जी ने नियुक्त किए हुए राज्यपाल थे, वो जगमोहन ये बाद में बीजेपी में आए, जरा जगमोहन जी का टर्बुलेंस किताब जो है कश्मीर का वो पढ़िए, उसमें सब जानकारी है, सब विश्लेषण है, एनालिसिस है कि कश्मीर में क्या हुआ था उस समय, कैसे फारूक अब्दुल्ला जब मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के सपोर्ट से और यहां राजीव गांधी जी की सरकार थी, तब वहां हिंदुओं के खिलाफ पंडितों के खिलाफ एक कैसी विशेष कैंपेन लगभग साल भर चली, नो बट दिस वॉज डिस्कस, दिस वॉज डिस्कस्ड, सो आई एम रिएक्टिंग टू, आई हैव एवरी राइट, यू के ही रेफर्ड एंड दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, बहुत ज्यादा नहीं बोलने वाला हूं। ऐसा है जयराम रमेश, जयराम जी बहुत थोड़े में बहुत बड़ी बात कर सकते हैं, वही मैं करूंगा, आप चिंता मत करिए, तो वही कर रहा हूं, वो अब नहीं है, ये मेरा दोष नहीं है, मेरा नंबर अभी आया है, वो बोल के गए हैं, ऐसा कैसा चलेगा। ऑनरेबल मेंबर,
लेकिन हमें समझना चाहिए टॉलरेंस टॉलरेंस रमेश टॉलरेंस यासीन मलिक रमेश भाई टॉलरेंस जो इस पूरे षड्यंत्र का एक बड़ा हिस्सा थे और देश भर में उसके बारे में आज गुस्सा है उसको सम्मानित किसने किया उसको हर बार चर्चा में किसने बुलाया ये भूल नहीं सकते प्रधानमंत्री अगर यासीन मलिक को एंटरटेन करते हैं मनमोहन जी तो कैसे चलेगा This is not nonsense. What you did was nonsense. आजादी आजादी के नारे लगे कश्मीर की आजादी होनी चाहिए अफजल तुम्हारे कातिल जिंदा है एक अफजल मारोगे तो हर घर से अफजल निकलेगा इन नारों का समर्थन किसने किया संजय जी आपके नेता ने भी समर्थन किया और आपके नेता ने भी किया वहां जाकर समर्थन किया और मैं ये बताना चाहता हूँ समाप्त कर रहा हूँ सर एक मिनट में समाप्त करूंगा आपके नेता ने भी किया और जावड़ेकर जी टुकड़े टुकड़े गैंग के खिलाफ जो लोगों का गुस्सा है वही कश्मीर फाइल में आया है कश्मीर फाइल का विषय उन्होंने निकाला इसलिए मैं रिएक्ट कर रहा हूँ और एक है कि ये 24 घंटे केवल राजनीतिक जो सोचते हैं उन्होंने खुद कहा कि मैं अनार्किस्ट हूं तो जो खुद को ही अनार्किस्ट कहते हैं वो आज हमें सबक सिखा रहे देशभक्ति का हद हो गई और इसलिए विषय पर कोई भी चर्चा हो जवाहर सरकार जी ने बोला इला गोयल ने बोला बाकी सब हमारे सदस्यों ने बोला हमें आदर है क्योंकि यही चर्चा होती है यही मत अलग अलग राय आती है लेकिन विषय छोड़ के हर बार केवल राजनीति करोगे तो राजनीति का जवाब राजनीति से ही मिलेगा यह आपको समझना चाहिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू ऑनरेबल मेंबर श्री कुमार केतकर जी